नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। राम मंदिर पर वो ऐतिहासिक फैसला आखिरकार आ ही गया। देश की सर्वोच्च अदालत ने कह दिया है कि विवादित भूमि पर तो राम मंदिर का ही निर्माण होगा और फिर अयोध्या में मुस्लिमों को भी एक जमीन दे दी जाएगी जिस पर वो मस्जिद का निर्माण कर सके। सुनने में आ रहा है कि इस मंदिर के निर्माण में अभी 5 साल का वक्त और लगेगा, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने डिजाइन पहले ही तैयार किया हुआ है। फिर कुछ लोगों ने देखा भी है कि राम मंदिर निर्माण का काम कभी रुका ही नहीं। वीएचपी की एक कार्यशाला में तकरीबन साल 1990 से ये काम बदस्तूर जारी है, उसके बावजूद अभी 5 साल और। बीते दशकों में यहाँ रोजाना 8 घंटे पत्थरों पर नक्काशी का काम होता है, लेकिन अभी यहाँ जितना काम हुआ है नक्काशी का काम, उससे तो सिर्फ अभी भूतल का ही हिस्सा तैयार हो पाएगा। यानी कि अगर हम कहें कि मंदिर में 212 पिलर्स बनाए जाने हैं, तो मान लीजिए कि अभी तक सिर्फ 106 खंबे ही तैयार हो पाए हैं। राम मंदिर निर्माण जिनकी देखरेख में किया जा रहा है वो है अनु भाई सोमपुरा। कहते हैं फिलहाल मंदिर की इस कार्यस्थली पर कोई भी कारीगर मौजूद नहीं है। अगर दोबारा और युद्ध स्तर पर काम करना शुरू करना है तो फिर तो कम से कम 250 दक्ष शिल्पकारों की और जरूरत होगी, तभी 5 साल के समय में मंदिर निर्माण का काम पूरा हो पाएगा। वहीं अब सबसे पहले तो मंदिर के निर्माण के लिए हमें नींव बिछानी होगी और फिर पिलर्स को लाकर जमाया जाएगा, फिर सफेद सीमेंट लगेगा। सिर्फ ईंटें इकट्ठी करने से कुछ नहीं होगा। सोमपुरा ने बताया कि क्या क्या काम पूरे हैं और क्या क्या काम अभी पूरे होने बाकी हैं। जैसे आधे पिलर्स तैयार हैं, मंदिर के गृह गृह से जुड़ा काम भी पूरा हो चुका है, मार्बल की चौखटें भी तैयार हो चुकी हैं। वहीं अभी 50% काम बाकी भी है, जैसे 106 पिलर्स का निर्माण किया जाना बाकी है, मंदिर की चोटी और छत का काम भी होना बाकी है। अनुभाई को नहीं पता कि उन्हें काम को कैसे करवाना है, लेकिन वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार जरूर हैं। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य मिलकर इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद ही आगे का काम शुरू हो पाएगा। आपको बता दें कि साल 1984 में वीएचपी ने इसके निर्माण के लिए शिला पूजन किया था, तब एक श्रद्धालु ने यहाँ पर 125 रुपए दान किए थे। तभी तो जिस तरह से लगातार भगवान राम के नाम पर यहाँ चंदा आ रहा है वो पूरे 8 करोड़ रुपए हो चुका है। और ये तो आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट के जरिए निर्माण कार्य शुरू करने का आदेश दिया है, जिसके लिए 3 महीने का समय भी दिया गया है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि जैसे 1951 में गुजरात में धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था, उसी आधार पर राम मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि सर्वोच्च अदालत के फैसले के अनुसार ट्रस्ट का निर्माण तो किया जाएगा, लेकिन इस ट्रस्ट का हिस्सा कौन कौन बनता है ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस ट्रस्ट में सरकारी प्रतिनिधि और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संघ परिवारों के संगठनों के लोग शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ कयास है, ये तो ट्रस्ट बनने के बाद ही क्लियर हो पाएगा।